जलगांव स्थित जलगांव शहर पूज्य सिंधी पंचायत, ये सिंधी समाज के लोगों की एक पंचायत है। आज पूरे दुनिया भर में कोरोना इस वायरस ने अपनी दहशत फैला कर रखी है। इसका आज तक इलाज नहीं निकल पाया है, तो बेहतर ये है कि हम उससे प्रिवेंटिव मेजर ढूंढें। तो हमारी पंचायत के जो सेवादारी हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने एक बैठकर एक आइडिया निकाले कि हाथ धोने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसकी आज तक कोई दवाई नहीं है, ताकि हम उसको प्रिवेंटिव मेजर क्या है वो हम सोच सकें, कर सकें। तो सभी मेंबर ने जो पंचायत के जो सेवादारी हैं, मीटिंग में बैठ कर ये डिसाइड किया कि हम लोग जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर हाथ धोने के स्टेशन बूथ लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, जितने भी ज्यादा लोग रहेंगे वो आएंगे, हाथ धोके और फ्रेश हो पाएंगे, और हाथ से जितनी भी अपना फैलने वाली बीमारियां हैं वो रुकेगी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अवेयरनेस भी बढ़ेगा, लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी कि हाथ धोने, जितना ज्यादा हम अपने आप के हाथ धोएंगे तो उतना ही वायरस कम फैलेगा। तो हम लोगों ने एक कंटेनर में हैंड वॉश रखा है, दूसरे बड़े कंटेनर में हाथ धोने का पानी रखा है। ये इससे आदमी आकर जहां पर भी आएगा, हर जगह पर, हर अलग अलग स्पॉट पे आकर, वहां पे हर इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी जाति का, धर्म का कोई भी इंसान हो, वो वहां पर आ रहा है, चाहे महिलाएं हैं, वहां पर आके अपना हाथ धो के चले जाते हैं। यहाँ पर इसके जानकारी के लिए हमने एक बड़ा बैनर लगाया हुआ है, जिसके अंदर कोरोना हाथ धो लो ना, आकर हैंडवॉश से हाथ धोइए और कोरोना से बचिए, ऐसा लोगो हमने वहां पर लगाया है, ताकि लोगों को समझ में आए पढ़कर कि अपने को हाथ धोकर अपने आप पे, अपने हाथ धोकर अपने को निरोगी रखना है। इसके अलावा हम लोगों ने एक साउंड सिस्टम में रिकॉर्डेड, जो टेलीफोन जब हम कॉल करते हैं तो जो मैसेज आता है उसी को हमने रिकॉर्ड बजा रहे हैं, ताकि कोई लोग अगर बैनर नहीं पढ़ पाते होंगे तो वो सुनकर आकर, वो वहां पर आकर अपना अपना हाथ धोके चले जाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा तीसरा दिन है और हजारों लोगों ने इसका फायदा लिया हुआ है, हजारों लोगों ने। अब ये हम लोगों ने चार जगह पर आज तक, हम लोगों ने पांच जगह तक आज तक हम लोगों ने लगा चुके हैं। एक खुले मार्केट में जनता शॉपिंग के बाहर है, एक हमारे झूलेलाल हॉल में है, तीसरा हमारा सिंधी कॉलोनी में है, चौथा हमारा तांबापुर एरिया में है, और पांचवा हमारा चित्रा चौक पर है। इसमें बहुत से लोग फायदा ले रहे हैं और हमारे सेवादारियों ने इसमें बहुत मेहनत ली है, और मैं लाल झूलेलाल साईं से विनती करूंगा, इन सब सेवादारियों का बहुत बड़ा मतलब उनको आशीर्वाद है, ताकि और अच्छे काम कर सके और समाज के लिए बहुत काम कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल।